हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक बैक टू 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 न्यू वीडियो। अब यार देखो, आज की इस वीडियो से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे एक न्यू गेम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस गेम का नाम है हाउस डिजाइनर। वैसे यार आप लोगों ने घर वगैरह तो यहाँ पे देख ही लिए होंगे, आप लोग देख सकते हो ये घर है अपना और इधर अगल बगल की आप लोग यहाँ पे सोसाइटी देख सकते हो। तो यहाँ पे सोसाइटी में देखो एक कोई की काली कार है, वो जा रहा है यहाँ से और यहाँ पे कोई की यहाँ पे सामने एक स्लेटी कलर की कार खड़ी हुई है। वैसे स्लेटी कलर की कार तो यार मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखी है, गेम के अंदर है। कह रही यहाँ पे एक भाई साहब का घर है तो उधर एक की नीली कार है और यहाँ पे गाड़ियां भी आती जाती रहती हैं और सबके पास अच्छा अच्छा घर है और बगल वाले पड़ोसियों को भी देख सकते हो आप लोग, काफी ज्यादा प्यारा सा घर है। लेकिन अपना ही घर थोड़ा सा ऐसा बेकार सा लग रहा है, बंगाल टाइम में कि बहुत ज्यादा ऐसा जंग का गया है, लगता है इसमें दिन रात बस पानी पानी यहाँ पे पड़ता रहा है। तो अपना ही घर जो है ना सोसाइटी में यहाँ पे जंग लग चुका है हर चीजों में। यहाँ पे खिड़की वगैरह देख सकते हो, डोर वगैरह देख सकते हो आप लोग की, जो यहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, लगता है कि यहाँ पे जन्मों से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। तो इस प्रकार का यार अपना घर है। तो हम लोगों को इस गेम के अंदर देखो बेसिकली करना क्या है कि हम लोगों को अपने लिए मस्त सा घर बनाना है और ये जो सारा सारा सामान है इसको हटाना और नया नया सामान लाना है। और हम लोग रुपए भी कमाने जा सकते हैं दूसरों के घर में काम करके, और जो रुपए कमाएंगे ना हम लोग उससे फिर अपने लिए और ज्यादा बेहतर घर बना सकते हैं, अपने लिए पेट ला सकते हैं, हम लोग कार खरीद सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक आंटी यहाँ पे जा रही है, शायद से वॉकिंग के लिए जा रही है और यहाँ पे पंछी वगैरह उड़ रहे हैं। और हेलो आंटी, कहाँ जा रही हो? हेलो 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 भाई, ये सुनाई नहीं दे रहा, शायद से दूर हमने तो इसलिए वो सुन नहीं पा रही है, खैर उन्हें जाने दो। अभी यार हम लोगों को अपने घर के यहाँ पे सफाई वगैरह करनी है। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है तो ऐसा करते हैं सारा सारा जो कूड़ा है ना सबसे पहले यहाँ से घर से जल्दी साफ कर देते हैं और जल की गंदगी यहाँ से गैप कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे यार देखो दूध की बोतल है और यहाँ पे ड्रिंक वगैरह है और यहाँ पे ये पता नहीं कैसा कूड़ा पड़ा हुआ है फालतू का, इधर भी काफी सारा है। तो ऐसा करते हैं जल्दी से हम लोग जो पूरा पूरा घर का कूड़ा है ना इधर हम लोग साफ कर देते हैं। 1 hour later ओके, तो यार चलो फाइनली हम लोगों ने जो घर का पूरा पूरा कूड़ा है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरा पूरा जो कूड़ा है वो साफ कर दिया है। कहीं पर भी थोड़ा सा भी कूड़ा यहाँ पे नहीं रह गया है कमरे के अंदर, कोई भी कमरा यहाँ पे ऐसा कूड़ा तो नहीं है उसके अंदर, गंदगी है अभी भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मिट्टी वगैरह इसको भी हम लोग साफ करेंगे। और यहाँ पे अपने जो सोफे वगैरह है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा पुराने लग रहे हैं और हम लोग कर कह सकते हैं कि जो सारा सारा सामान है ना इसको हम लोग सेल कर सकते हैं। हालांकि अगर इस सामान को हम लोग सेल करेंगे तो उसके बदले हम लोगों को बहुत ज्यादा कम रुपए मिलेंगे, मतलब कि जैसे अगर खरीदने में $100 लगता है तो बेचने में शायद से हम लोगों को $8-10 ही मिले, तो ऐसा बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने कहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके तो अभी यहाँ पे मैं आप लोग दिखाता हूँ वापस से। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस मशीन का यूज करेंगे ना तो यहाँ पे देखो सेल का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे इसका प्राइस $33 दिखा रहा है, इसका $22 दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका प्राइस भी हम लोगों को दिखा रहा है कितने का ये बिक जाएगा और उतने में हम लोग बेच सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अभी अपने पास ज्यादा रुपए तो है नहीं और हम लोग रुपए कमाने के लिए अभी बाहर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे घर में काफी ज्यादा गंदगी वगैरह है। तो अभी हम लोग जो चीजें हैं ना उनको नहीं बेचते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे यार देखो घर का अंदर को तो कूड़ा हम लोगों ने साफ कर दिया है लेकिन घर का बाहर का जो कूड़ा है वो अभी भी साफ नहीं हुआ है। और इसमें से यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ भाई कोई चीज बेचने लायक तो नहीं है जो फालतू में कूड़े में फेंक दे और हम लोग उसको बेच सकते हो, लेकिन नहीं यार ये कोई भी चीज यहाँ पे अच्छी नहीं है, ये भी पूरा पूरा कूड़ा ही है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे सारा सारा जो कूड़ा है गार्डन का इसको भी यहाँ पे साफ कर देते हैं। वैसे काफी ज्यादा अच्छी से घास उग गई है अपने यहाँ पे, पहले से थी। खैर हम लोग जल्दी से ये जो कूड़ा है इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं तो जो गंदगी है वो खत्म हो जाएगी पूरे घर से। A few minutes later. ओके, तो यहाँ पे पूरे पूरे जो गार्डन है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके साफ कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यार कहीं पर भी अभी कूड़ा तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बाहर साइड भी, और इधर साइड भी सिर्फ चेक कर लेते हैं सामने से, वैसे कूड़ा यहाँ पर था नहीं हम लोगों ने जब एंटर करा था घर पे, तो नहीं अभी जो अपना पूरा पूरा घर है वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, कूड़ा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हाँ यहाँ पे डर्ट काफी ज्यादा लगी हुई है अपने घर पे, मतलब जगह जगह पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये डर्ट है। तो ऐसा करते हैं हम लोग झाड़ू निकालते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ पे जहाँ जहाँ डर्ट है ना इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। जैसे कि इधर भी डर्ट है तो यहाँ पे इसको क्लीन कर दिया, इधर इसको क्लीन कर देते हैं, इधर भी थोड़ी डर्ट है ओके, तो इधर भी यहाँ पे साफ हो गई है और इधर साइड तो वैसे नहीं है, नहीं इधर साइड है तो इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं। और यहाँ पे देखो काफी ज्यादा ऐसा हर तरफ से यहाँ पे डर्ट लगी हुई है, तो ऐसा करते हैं पूरे पूरे जो घर की डर्ट है उसको हम लोग जल्दी साफ कर देते हैं और उसके बाद जो अपना घर है काफी ज्यादा क्लीन लगने लगेगा।
ओके तो चलो यहाँ पे जो पूरे पूरे घर है ना, मतलब अंदर से लेकर के बाहर तक जहाँ जहाँ पर धूल लगी हुई थी मैंने हर जगह साफ कर दी है, लेकिन यहाँ पे क्लीननेस अभी भी 98% दिखा रहा है बाहर की। अब ऐसा यार क्यों मुझे नहीं पता है, और अंदर भी देखो 98% दिखा रहा है। हो सकता है कुछ सामान जहाँ पे रखा हो उसके नीचे थोड़ी सी गंदगी हो तो वो साफ ना हो इसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा हो, लेकिन नहीं चलो फिर भी अपना जो घर है काफी ज्यादा साफ हो चुका है, देख सकते हो आप लोग कहीं पर अभी डर्ट नहीं है। और अभी लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर जो है इंसान रह सकते हैं, वरना तो भाई पहले ऐसा जानवरों का घर लग रहा था। खैर अभी हम लोगों ने अपना जो घर है काफी ज्यादा सुंदर से बना दिया है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग जल्दी से बेचने वाली मशीन ले लेते हैं, और ये जो सारी सारी चीजें हैं ना, मतलब कि जो जंग लगी चीजें हैं इनको हम लोग घर से बेच देते हैं। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डोर बेच दिया है, और यहाँ पे हम लोग इसको भी सेल करते हैं, विंडो को। विंडो कितने का है? $28 का दिखा रहा है। ओके तो बेच देते हैं। वैसे यार विंडो नहीं बिका मैंने, मुझे लग रहा है और ही कुछ बेच दिया। ठीक है कोई बात नहीं यार, जो भी बिक गया और ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि यार मैं पता है पूरा पूरा जो घर है ना उसके अंदर सही से काम करने वाला हूँ, मतलब सही से हम लोग सारी सारी चीज़ें मस्त सी नई लाने वाले हैं, ताकि अपना घर लगे कि हाँ भाई कोई घर है मस्त सा, ऐसा बिल्कुल घटिया सा घर नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ से ये वाली विंडो भी बेच दी है, इधर भी ये विंडो बेच देते हैं। ओके तो इस विंडो को बेच दिया, और आप लोग यहाँ पे रुपए जो है वो देखते रहना अपने पास कितने डॉलर्स हो चुके हैं। खैर इधर मैं बाथरूम का भी डोर बेच देता हूँ। ओके तो ये $32 का है, ये भी $32 का होगा, और इधर विंडो है इसको भी यहाँ पे सेल करते हैं। तो इस विंडो का प्राइस है $24 जो कि हम लोगों ने बेच दिया है। ओके तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो घर के जंग लगी चीजें थी ना, मतलब कि जितने डोर्स वगैरह और विंडो वगैरह थी वो हम लोगों ने बेच दी हैं, और अपने पास टोटल $576 हो चुके हैं। खैर अभी भी घर पे अंदर अपने काफी ज्यादा पुराना फर्नीचर है, मैं सोच रहा हूँ ना इसको यहाँ से सेल ही कर देते हैं। ढाओ यहाँ से सारा सारा जो टब है, और यहाँ पे जो टॉयलेट है, और यहाँ पे हाथ धोने वाला, इसको भी यहाँ पे बेच देते हैं, और यहाँ से हम लोग सारी सारी जो पुरानी चीजें हैं ना उनको हटा ही देते हैं, ताकि अपने पास थोड़ा सा और रुपया आ जाए और हम लोग मस्त मस्त नई चीज़ें खरीद लेके। खैर अभी यार हम लोग खरीदने पे आप लोग देखना पता चलेगा कि हम लोग कितना ज़्यादा महंगा भाई चीज़ें खरीदने मिलती हैं, मतलब बेस तो हम लोग सस्ते में दे रहे हैं लेकिन जब खरीदेंगे तो हम लोग की हालत पतली हो जाएगी। खैर यार चलो फाइनली हम लोगों ने सब कुछ बेच दिया है, और अभी अपना जो घर है काफ़ी सही लग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे पता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वॉल अपनी टूटी हुई है यहाँ पे, अगर ये वॉल टूटी हुई ना हो तो जो घर है अपना और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग अपने घर में पेंट कर देंगे, और अपने पास ऑलमोस्ट यहाँ पे $1000 हो गए हैं। खैर यहाँ पे बाहर के हालचाल देख सकते हैं, यहाँ पे वो अंकल जी जा रहे हैं और उधर भी एक अंकल जी जा रहे हैं। अब ये दोनों पता नहीं आपस में शायद बात करते हो। यहाँ से यार मेरे घर से तो बाहर निकलने का वो डोर और नहीं बना हुआ है, मुझे लगता है घर का डोर भी खुद ही बनवाना पड़ेगा, ताकि हम लोग बाहर जाएं और सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बातचीत कर पाए। खैर यार अभी हम लोग यहाँ पे घर तो बिल्कुल साफ चकाचक हो गया है, लेकिन यहाँ पे चोर वगैरह घुस सकते हैं अगर रात हो गई तो यहाँ पे हम लोगों को गेट वगैरह तो खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग जल्दी से शॉप पे चलते हैं। ओके और शॉप में चल के देखते हैं कि भाई क्या कई चीज़ें कितने की मिल रही हैं। वैसे मुझे सारी सारी चीज़ें अभी अच्छी क्वालिटी चाहिए, चाहे जितना ज़्यादा रुपया कमाना पड़े। हम लोग मेहनत करेंगे, रुपया कमाएंगे, दूसरे घर में काम करेंगे, लेकिन रुपया कमा करके अपना जो घर है ना वो पूरे पूरा इस सोसाइटी में सबसे बेस्ट बनाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे यार हम लोग शॉप पे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग इधर आ चुके हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना जो डोर है ना वो चेक करूँ, ताकि रात में यहाँ पे चोर वगैरह घुस ना सके अपने घर पे। तो डोर हम लोगों को कहाँ पे मिल सकता है? डोर डोर किधर, किस में होगा डोर? ओके तो यहाँ पे यार डोर मैंने काफी ज्यादा देर ढूंढा, लेकिन फाइनली यहाँ पे हम लोगों को जो डोर है ना वो यहाँ पे दिख चुके हैं। और भाई इनका प्राइस देखो कितना ज्यादा है, मतलब यार सिर्फ और सिर्फ $540 का एक सिंगल डोर है, और यहाँ पे हम लोगों को एक डोर तो लगाना ही पड़ेगा यार। ऐसा करते हैं कि फ्रंट साइड में एक डोर लगा देते हैं खरीद करके, और उसके बाद हम लोग और भी चीजें मंगा लेंगे। तो यहाँ पे डोर देख लेते हैं, सबसे पहले सिंगल डोर यहाँ पे कितने का मिल रहा है। एक है $540 का जो कि सबसे सस्ता है शायद से, एक $520 का भी है वो उससे सस्ता है। सबसे सस्ता डोर देखते हैं यहाँ पे, डबल डोर पे नहीं, ये नहीं चाहिए हम लोगों को, ये डोर मंगाना चाहिए, ये डोर परफेक्टली यहाँ पे बैठ जाएगा और सही भी है $540 का। मंगा लें क्या इसको? ऐसा करते हैं इसको मंगा लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डोर मंगा लिया है, तो यहाँ पे अभी इसको ओपन करते हैं। ओके तो चलो मस्त सा डोर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया अपने घर पे, और अभी यार इसको मैं सेल करने का देखूँ कितने बिकेगा, $416। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने $520 का मंगाया है और ये $416 का बिक रहा है, तो मतलब कि यार इन लोगों ने थोड़ा सा प्राइस को कम कर दिया है। खैर मुझे इसको बेचना नहीं है, मैं ऐसे बस जस्ट चेक कर रहा था।
अब यार देखो हम लोगों ने घर पे डोर लगा दिया है, ओके, और हम लोगों ने घर की साफ सफाई भी पूरी पूरी कर दी है। अब यार हम लोग कर कह सकते हैं कि हम लोगों को रुपए जो है थोड़े से अपने पास कम है, तो उनको कमाने के लिए हम लोग बाहर दूसरों घर में काम कर सकते हैं या फिर हम लोग कुछ अपना और भी मंगा सकते हैं। $459 हैं अपने पास, तो इनसे भी कुछ चीज़ें मंगा सकते हैं। ऐसा करते हैं कि अभी कोई चीज़ें नहीं मंगाते, ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे घर में काम करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कूड़ा है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे यार देखो हम लोगों को डोर्स की ज़रूरत है अभी, एक डोर यहाँ पे लगेगा, एक डोर यहाँ पे लगेगा, ओके, और एक डोर यहाँ पे लगेगा, तीन डोर्स की ज़रूरत है अपने को। या फिर अगर इसमें हम लोग डोर ना भी लगाएं तो हम लोगों को यहाँ पे बाथरूम में तो लगाना ही पड़ेगा, इधर चल लो मान लो इधर छोड़ सकते हैं। तो अभी अपने को दो डोर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको हम लोगों को मंगाने के लिए, उनको खरीदने के लिए भाई रुपये कमाने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग दूसरे घर पर चलते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पे $160 का हम लोगों को वर्क कोई दे रहा है, तो उसका हम लोग काम करते हैं और उससे हम लोगों को $160 मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्टली पहुँचने वाले हैं, खैर अभी हम लोग आ चुके हैं और हम लोगों को यहाँ पे जो काम है ना वो दे दिया गया है, रिमूव ट्रैश, ओके। तो हम लोग यहाँ पे सफाई करनी है और देखते हैं हम लोग कैसे मिलता है एम कर्सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे पता है, ये सब मुझे मत सिखाओ, ये मैं साफ सफाई कर लेता हूँ भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। अच्छा ये मुझे ये बताता है शायद से कि किधर कूड़ा है, ओके। तो यहाँ पे अपना जो काम है वो हो चुका है, गो टू नेक्स्ट वर, और अपने को $160 मिल गए। भाई साहब कितना ज़्यादा ईजी था, यहाँ पे हम लोगों ने $160 ईजिली जीत लिया है। इंजॉइंग हाउस डिजाइनर, ओके, तो मैं इसका रेट बाद में कर दूंगा गेम को। अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट वर्क के, तो यहाँ पे हम लोगों को वर्क करना है, ओके। तो ये शायद से अभी हम लोगों को सिखा रहे हैं ना, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा आसान काम दे रहे हैं, वरना ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड काम देने लगेंगे। खैर यहाँ पे अभी हम लोगों को थोड़ा सा जो डर्ट है ना वो क्लीन करना है, उसके बदले हम लोगों को जो है पता नहीं $160 शायद से वापस से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है अगर मिल जाएंगे तो, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को $240 मिल चुके हैं, ओके। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्क के लिए, भाई ऐसे काम मिलते रहे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा रुपया काफ़ी कम समय में कमा लेंगे यार। खैर अपने पास $859 हो गए हैं अपने पास, अगर यहाँ पे हम लोगों को 520 और 520 होते हैं 1040, अगर $1040 हम लोग मंगा ले मतलब कमा लेना तो फिर अपना काम हो जाएगा। खैर स्टिक फेफोस वॉलपेपर ब्लू 0x4, तो हम लोगों को यहाँ पे वॉलपेपर्स लगाने हैं, तो ओके। तो यहाँ से वॉलपेपर हम लोग खरीदना है और यहाँ से हम लोग कहा जा रहा है कि वॉलपेपर्स हम लोग लगाने हैं, वैसे लगाना कहाँ पे, ओके। दिस आइटम इज नॉट ऑन द क्विज लिस्ट, ओके। तो कौन सा है भाई, कौन सा है, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, अभी ऊपर जाने कहा जा रहा है, ओके ये वाला है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पूरा पूरा यहाँ पे कमरा है ना उसके अंदर ये वाला वॉलपेपर लगाना है, ओके ओके ठीक है। तो इधर भी हम लोगों को लगा देना भाई, ऐसे ही हम लोग अपने घर पे भी लगाए हैं, ठीक है, तो अपना घर भी मस्त लगने लगेगा। अभी तो दूसरे घर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ओके अभी हम लोग फिनिश हो चुका है वर्क और हम लोगों ने यहाँ पे $320 कमा लिए हैं। अभी हम लोग घर पे चलते हैं और टोटल अपने पास यहाँ पे रुपए हो चुके हैं $1179, ओके। तो अभी हम लोग कर क्या सकते हैं यार, अपना जो घर है ना उसमें अच्छे से यहाँ पे डोर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यार हम लोग एक डोर और खरीदते हैं जल्दी से, तो हम लोग बाई पे चलते हैं और यहाँ पे डोर पे चलते हैं और वही वाला डोर मंगाएंगे जो कि हम लोगों ने अभी मंगाया था। तो ओके इसको यहाँ पे डोर को हम लोग लगा देते हैं ईजिली, ओके यहाँ पे इसको लगा दिया, डोर को ओपन करते हैं, चलिए। और यहाँ पे हम लोगों को एक डोर जो है ना यहाँ पे लगाना है अपने बाथरूम के अंदर, ताकि इधर भी बंद रहे वरना हम लोग नहाएंगे धोएंगे ना फिर तो कांड हो जाएंगे भाई, ऐसे यहाँ से दिखाई पड़ रहेगा तो फिर तो वो खराब चीज़ हो जाएगी, ओके। तो चलो अभी ये वाला जो एरिया है ना इधर तो हम लोग मतलब ऐसा बेडरूम वगैरह बनाने वाले हैं, ये मेन अपना हॉल होगा और ये रहा बाथरूम और गार्डन वार्डन, तो आप लोग पता ही है। उसके बाद हम लोगों को पेट वगैरह भी खरीदने हैं, मतलब हम लोगों को डॉग भी तो पालना है तो उसको भी लाना पड़ेगा। खैर ऐसा करते हैं कि अभी अपना काम मस्त हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को वो लगाने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक चीज कर सकते हैं, रुको रुको एक काम कर सकते हैं, ओके। तो वो खरीद सकते हैं हम लोग जो डोर का वो होता है ना, मतलब कि जो डोर लगता है जिसमें, तो वो अगर हम लोगों ने खरीद लिया तो वो सही चीज़ रहेगी, जैसे कि ये रहा, ओके। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लगा दे तो अपना घर थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा, मतलब ये वाली जगह। लेकिन यार इसके लिए हम लोगों को $250 पे करने पड़ेंगे जो कि यार अपने पास अभी नहीं है। तो ऐसा करेंगे कि यार देखो अभी मैं जाने वाला हूँ काम पर और मैं काफ़ी सारा काम करने वाला हूँ और काम करके जितने भी रुपये मुझे मिलने वाले हैं उसके बाद हम लोग रुपये कमाने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें अपने घर के अंदर लाएंगे और हम लोग शायद हो सकता है तो हम लोग डॉग भी पालेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो अगर रुपया होगा तो डॉग पाल लेंगे। खैर यार आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हम लोगों को अपने डॉग का नाम क्या रखना चाहिए,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब अभी मैं जल्दी से चलता हूँ और जाके रुपए कमाता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर लो। और आप लोगों को ये गेम प्ले वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना यार, बिल्कुल मत भूलना। खैर चलो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।